she would turn Muslim. If she wants to remain Rupali, why do you want to make her Zara? In fact, she wants to be alive. No, madam, and her husband, Iqbal, has slit her throat. She cannot continue to be Rupali. See, there is something like Sharia which is there. What are you saying? Sharia is not Sharia. Constitution. Madam, even our constitution respects Sharia. You need to respect Sharia. There is no scope for forcing anybody in Islam unless she accepts Islam on her own free will. Can you impose Islam on her? Or may Aziz Khan aapse puchungi. Kya Rupali jab shaadi karti hai to apne aap musalman ban jati hai ya usko dil se Allah ko qubool karna padta hai? Ye kya bata rahe hain? क्या कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप दिल से अल्लाह को कबूल कीजिए या आप किसी को जबरदस्ती इस्लामिक बना दें, मुसलमान बना दें, और अगर वो बुर्का ना पहने तो जबरदस्ती उसके गले को भी काट दें? क्या ये लिखा है कुरान में? देखिए नौका जी, सबसे पहले तो रूपाली जैसे कत्ल हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इकबाल करने से क्या होगा? मेरा सुनिए ना, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। कोर्ट करेगा, लेकिन हमें कहना हक बात है ना, सच्ची बात कहनी है, झूठ बात नहीं कहनी। इकबाल को सजा मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, फांसी के फंदे पर टांगना चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात जो हैदर साहब ने कही है कि कोई भी निकाह इस्लामिक रूल के एतबार से बिना मुसलमान किए किसी लड़की का किसी मुसलमान से नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं कि ज़ारा उसने नाम रखा, निकाह किया होगा, और हिंदू एक्ट में भी अगर कोई दूसरा निकाह करेगा तो वो भी पहले मुसलमान होता है फिर निकाह करता है, जैसे चांद ने मोहम्मद ने किया था, हरियाणा के चिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। ये एक कानून है, लेकिन हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपील करते हैं सरकार से और कोर्ट से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी के ऊपर लटकाना चाहिए। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन जबरिया किसी का कत्ल कर देना ये इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है किसी भी आदमी को। अगर वो उसका पर्सनल वो अगर करती है उसकी जिम्मेदारी है, शौहर का कहने की जिम्मेदारी, कत्ल करने की जिम्मेदारी नहीं है। शौहर कह सकता है और शौहर उसको पर्दे की कह सकता है, लेकिन कत्ल करने की शौहर को इजाजत नहीं है। वो कह सकता है कि इस्लाम में पर्दा है तुम करो, लेकिन अगर कोई कत्ल कर देता है ये इस्लामिक एतबार से, धर्म के एतबार से, हमारे संविधान के एतबार से दोनों कातिल हैं। और एडवाइस करने की बात कर रहे हैं। और विनोद बंसल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये कह रहे हैं कि लड़की रूपाली थी तो ज़ारा होना उसका लाजमी था क्योंकि उसने मुसलमान से शादी की थी, और जब बन गई ज़ारा तो उसको बुर्का भी पहनना उसके लिए लाजमी है, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। और ये कह रहे हैं उसका शोहर कह रहा था या फोर्स कर रहा था। और मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं इस मसले को लेकर के हिजाब चॉइस का मैटर है, डिग्निटी का मैटर है, आज वो इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है उनके बीच? आज असदुद्दीन ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया क्योंकि ये रूपाली थी जिसका कत्ल हुआ। नाविका जी, सबसे पहले तो दूसरे नवरात्रि के आपको सबकी आपको सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बड़ा दुख के साथ ये भी कहना पड़ा है कि पहले नवरात्रि के अंदर ही एक पहली दुर्गा की हत्या लोगों ने की है। ये बेहद जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह की परिस्थितियाँ लोग निर्माण करना चाहते हैं, आप इसको सिर्फ हिजाब से जोड़ रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ नाविका जी, ये हिजाब नहीं है, ये वो मानसिकता है जिसने न सिर्फ रूपाली को जारा बनाया बल्कि मीना को अमीना, निधि को नादिया, पूजा को जोया, पुलस्ती को यासिका और यासिका को आलिया, अंजलि तिवारी को आयशा बनाया। आप बताइए, ये जो मानसिकता है वही मानसिकता है जिसके कारण जो है कानपुर का सीबू अली सचिन बना, नौबस्ता का फतेह खान जो आर्य बना, आगरा का इकराना रवि बना, ऐसे तमाम देश बदल करके हिंदू बेटियों में बार बार उसी लिस्ट को आगे बोलने का
पिछले 20 साल से एक लिस्ट के नाम मैं इस तरह से अगर मुझे बोलने की परमिशन है वो भी बंद हो जाएगा हुआ आप मुझे बताइए भी चर्चा करें हम कितना का हुआ है अगर किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि वो जारा बन गई थी झारखंड में हुआ था आपने चर्चा किया तो उसका मतलब क्या आपको मारने का लाइसेंस मिल गया इस्लाम में महिलाओं को मारने का अधिकार मिल जाता है क्या कुरान में कत्ल करने की इजाजत है क्या बताइए ना कुरान क्या कत्ल करने की इजाजत देता है क्या हदीस कत्ल करने की इजाजत देता है पैगंबर मोहम्मद साहब का ये कहते हैं कि आप महिला को जो है मुसलमान बनाइए और उसकी उसका गला सिलकर हत्या कर दीजिए शर्मानी चाहिए आपको यार किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप लोग आपको शर्मानी चाहिए हिंदू लड़कियों को बराबर मारा जा रहा है एक नहीं है देखिए मुसलमान की शादी का क्या मतलब है शर्त है कि मुसलमान होना पड़ेगा इसलिए अरे भैया मुझे बताइए ये लखनऊ के नदी में नहीं बताते ये सिर्फ बेटियों को क्यों बताते हैं ने हिना को क्यों मारा कोटा के रिजवान ने हिना को क्यों मारा हमारे मोहल्ले में एक मिनट रुकिए जरा लड़की हिंदू लड़कों से शादी की रह रही है नाबिका जी मुझे जरा समय दीजिए परिवार एक्सेप्ट करेगा नाबिका जी की चॉइस का क्या हुआ बीके की चॉइस का क्या हुआ बीके की चॉइस में अगर अल्लाह ताला नहीं पढ़ने वाले को 3000 किलोमीटर ऊपर लेके मार देता तो हर औरत पर मुझे समय नहीं मिला बता दीजिए एक रास्ता बता दिया ये रास्ता है एक रास्ता है शैतान का रास्ता है सीधा रास्ता है करना अच्छा आप तय करेंगे कि कौन शैतान है इस्लाम में तय करेंगे हमने नहीं इस्लाम में तय करेंगे नहीं तो फरमाया कि जो लिखा था बाज अगर नहीं पहनेगी तो वो सत्र का ढकना फर्ज है मैडम सत्र का ढकना सर है इतना ढकना हर औरत का मर्द का इसे टुंडी से लेके घुटने तक नीचे तक भाषा फर्ज है इसे जो खोलेगा वो उसके शरीर के खिलाफ जाएगा उसमें किसी के निखत अब्बास अब आपकी कैटेगराइजेशन भी होगी निखत अब्बास व्हाट यू वेयर विल डिस्क्राइब द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड If I am a dignified lady or not, if I am a follower of Islam or not, if I am a true Muslim lady or not, if I would be getting married to a reputed Muslim family or not, this would be apparently